छाया और उत्सव बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों साथ में पढ़ाई भी करते हैं और साथ साथ खेलते भी हैं। छाया को विज्ञान में बहुत दिलचस्पी है और उत्सव को नई चीजें जानने की खूब उत्सुकता है। एक बार दोनों छाया के कमरे में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उस दिन उत्सव का मन पढ़ाई में लग नहीं रहा था। तभी उसकी नजर कमरे में ड्रेसिंग टेबल के शीशे के ऊपर पड़ती है। तुम शीशे में क्या देख रहे हो उत्सव? छाया, मैं यह सोच रहा हूँ हमें शीशों में अपनी तस्वीर, मेरा मतलब है अपनी छवि कैसे दिख जाती है, ऐसा कांच के गिलास में देखने पर तो नहीं होता। अच्छा सवाल है, मुझे इतना पता है कि इसका संबंध प्रकाश से है। चलो आंगन में चलते हैं, वहाँ कुछ प्रयोग करके देखते हैं। उत्सव, क्या तुम महसूस कर पा रहे हो कि बाहर हमें ज्यादा साफ दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल, बाहर सूरज की रोशनी कमरे के बल्ब से ज्यादा तेज है। बिल्कुल ठीक, हमें प्रकाश की वजह से दिखाई देता है। देखने के लिए प्रकाश जरूरी है। जब रोशनी किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। छाया, मैं समझा नहीं, रोशनी टकराकर आती है, लेकिन पानी में से तो रोशनी आर पार चली जाती है और हम उसके अंदर भी देख सकते हैं। हमें कांच का गिलास भी दिखता है, लेकिन थोड़ा बहुत उसके आर पार भी दिखता है। एक मिनट रुको। छाया अंदर से एक कांच के गिलास में पानी और एक रुपए के दो सिक्के लेकर आती है। उत्सव ध्यान से देखो। छाया एक सिक्का पानी से भरे गिलास में डाल देती है और गिलास को एक हाथ में उठा लेती है और दूसरे हाथ में दूसरा सिक्का। उत्सव, तुम कौन सा सिक्का साफ देख सकते हो, गिलास में या हथेली पर? जो सिक्का तुम्हारे हाथ में है। छाया मुट्ठी बंद कर लेती है। और अब? अब कैसे दिखेगा, तुमने मुट्ठी बंद जो कर ली। और अब गिलास दिख रहा है। तुम्हें कैसी बात कर रही हो, जब तुमने हाथों से गिलास ढक लिया है तो कुछ कैसे दिखेगा? उत्सव, कुछ वस्तुएं पारदर्शी जिन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं और कुछ अपारदर्शी जिन्हें हम अंग्रेजी में ओपेक कहते हैं। जिन वस्तुओं में से प्रकाश गुजर सकता है वो पारदर्शी होती हैं, जैसे कि पानी, साफ शीशा और कई प्रकार की प्लास्टिक से बनी वस्तुएं, जैसे पानी की बोतलें। हम उनके अंदर देख सकते हैं। प्रकाश उनके अंदर से जाकर जब किसी वस्तु से टकराकर वापस आता है तो हम उसे देख पाते हैं। अब बात आती है उन वस्तुओं की जिनमें से प्रकाश नहीं गुजर पाता। ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शी कहते हैं। इनसे प्रकाश टकराकर या तो दूसरी दिशा में मुड़ जाता है या वापस लौट जाता है। छाया, मुझे कुछ कुछ समझ तो आ रहा है, थोड़ा और अच्छे से समझाओ ना। अच्छा देखो उन पेड़ों को, क्या तुम्हें उनकी छाया दिखाई दे रही है? छाया तो तुम हो, लेकिन हाँ मुझे दिख रही है पेड़ों की छाया। हाँ, मेरे नाम का मतलब यही तो है, किसी वस्तु की परछाई। उत्सव, तुम अगर ध्यान से देखो, कांच के गिलास की परछाई कितनी हल्की है, पानी की परछाई तो लगभग दिख ही नहीं रही, जबकि पेड़ों की परछाई कितनी गहरी है। परछाई या छाया तब बनती है जब प्रकाश के सामने कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है। जैसे जहाँ जहाँ प्रकाश के रास्ते में पेड़ है, वहाँ वहाँ तुम्हें परछाई दिखाई देगी। ऐसे वस्तुओं के आर पार हम नहीं देख सकते। छाया, मुझे कुछ बातें अभी भी समझ नहीं आई। जैसे आम शीशे तो पारदर्शी होते हैं, लेकिन फिर ड्रेसिंग टेबल के शीशे में हमें अपनी तस्वीर कैसे दिखती है? उत्सव, ये सवाल थोड़ा कठिन है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अच्छा चलो, हम अपनी विज्ञान की पुस्तक की मदद लेते हैं। छाया अपनी विज्ञान की पुस्तक लेकर आती है और उसे खोलकर देखने लगती है। हाँ, मैं यही चीज तो भूल गई थी। उत्सव, पारदर्शी और अपारदर्शी वस्तुओं के अलावा कुछ वस्तुएं अपरभासी भी होती है। इनमें से प्रकाश पूरी तरह आर पार नहीं जा पाता, किंतु कुछ हद तक जा पाता है, जैसे हल्का कागज, हल्का कपड़ा आदि। अच्छा समझ गया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला।
बता रही हूँ, थोड़ा सब्र तो करो और शीशे के सामने खड़े हो जाओ। देखो, पहले बल्ब का प्रकाश तुमसे टकराता है, फिर परावर्तित होकर शीशे से टकराता है और उसके पीछे के चिकने पदार्थ से पुनः परावर्तित होकर हमारी आँखों में जाता है और हम खुद को देख पाते हैं। इसी तरह कमरे की हर वस्तु जो शीशे के सामने है, उसका बिंब हम शीशे में देख सकते हैं। वस्तुओं से प्रकाश टकराकर जब वापस लौटता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन। इसे समझने के लिए ही हमें पारदर्शी एवं अपारदर्शी के बारे में जानना जरूरी था। हर वस्तु अलग अलग मात्रा में प्रकाश का परावर्तन करती है। सबसे कम परावर्तन पारदर्शी वस्तुएं करती हैं और सबसे अधिक चमकीले अपारदर्शी। इनके बीच में पारभासी वस्तुएं आती है, जो वस्तुएं उन पर पड़ने वाले लगभग सारे प्रकाश को परावर्तित कर देती हैं। उनमें हम अपनी तस्वीर देख पाते हैं। अच्छा, समझ गया। मतलब ये कि शीशों में से प्रकाश गुजर जाता है, लेकिन उसके पीछे के पदार्थ से टकराकर परावर्तित हो जाता है। ये देखो, ड्रेसिंग टेबल के शीशे के पीछे एक चमकीले पदार्थ का लेप किया गया है, जो उस पर पड़ने वाले सारे प्रकाश को परावर्तित कर देता है। छाया, मैं समझ गया। शायद इसी तरह हम कई सारी चिकनी वस्तुओं में अपनी तस्वीर देख पाते हैं, जैसे चिकनी कटोरियाँ और चम्मच। हाँ बिल्कुल, चिकनी वस्तुएं ज्यादा प्रकाश परावर्तित करती है। अच्छा, लेकिन अब मुझे एक और सवाल सूझ गया। अब तो जितना मुझे समझ आया था सब बता दिया। हाँ, लेकिन मुझे जानना है कि चम्मच में हमारी तस्वीर छोटी क्यों दिखती है। उत्सव, इसका जवाब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है। हम दोनों टीचर से इसके बारे में जानेंगे। चलो, तब तक हम किताबों में ही तुम्हारे सवाल का भी जवाब ढूंढते हैं।